वीडियो से पहले ज्वाइन कीजिए एलपीसीबीटी सीरीज में, जिसमें सभी टेस्ट 75 क्वेश्चन को हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिटर का टेस्ट सीरीज चल रहा है और बाद में बेसिक साइंस सीरीज का होगा। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके सारे टेस्ट सीरीज देख सकते हैं जो अपनी ज़रूरत है, और कह सकते हैं कि जेई के लिए उपयोगी होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे प्रश्न एक ही टाइप का होता है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करके अभी से तैयारी कर सकते हैं। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 परीक्षा, जिसमें घमासान चला हुआ है, तो यहाँ टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। तो एजुकेशन की बात करेंगे तो 8 सीरीज आप मान सकते हैं, काफ़ी अपने आप में अच्छा है। और यहाँ बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जितने अभी तक 7 सीरीज हुए थे, ये 7 सीरीज आपका था पार्ट बी के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर से रिलेटेड। तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस ट्रेडों से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पीसीएम कैंडिडेट हो या आईटीआई हो, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन हो, और प्लस डिप्लोमा वाले के कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, तो बिल्कुल प्रश्न लेवल आईटीआई पे होगा, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, उससे मतलब रेलवे के नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे प्रश्न सेट होंगे। हाँ, डिप्लोमा और डिग्री में स्ट्रीम कॉम्बाइंड होगा, ये ऐसा है। तो यहाँ बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, जिसमें मिशन 30/40 इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेक्शन वाइज मार्क्स है 40 क्वेश्चन उसके लिए है। और इसमें प्रश्न हिंदी इंग्लिश का मिक्स होगा, ना इंग्लिश होगा ना हिंदी होगा, दोनों का मिला जुला होगा, जिससे दोनों को समझने में आसान हो, जो हिंदी में पढ़ता है और इंग्लिश में। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की वीडियो है, और इसके लिए कोई फी की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है आपका, नॉर्मल वीडियो है, इसमें ऑनलाइन कह रहा हूँ मैं, ऑन नॉर्मल वीडियो है और आप ही के लिए है बिल्कुल मेहनत के साथ। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला सवाल से शुरू किया जाएगा बिना ब्रेक के कम टाइम में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहला इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है प्रोटेक्टर, चांद का आकार होता है वो बताना है, बिल्कुल सिंपल सब सवाल है। वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार, सी है आयताकार, और डी ए एंड बी दोनों। तो कैसा होता है चांद कोई बताए, कुछ इस तरह का होती है, इसमें मार्क होता है 0, 45, 60, 90, इस तरह से मार्किंग होती है, और साथ साथ में एरो बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। और ये बना हुआ होता है किस मटेरियल का, प्लास्टिक का। तो ये कैसा है, अर्ध वृत्ताकार। तो राइट आंसर आपके पास बी होगा, कंसेप्ट भी समझिएगा साथ साथ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित लाइन में जिंग जंग लाइन का उदाहरण है, जिंग जंग लाइन के बारे में बताना है, तो ये देख सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी है और डी है, इनमें से कौन सा जिंग जंग है। तो हिंट के लिए बता दिया जाए, जिंग जंग लाइन आपको किसी भी ड्राइंग के ब्रेकिंग सरफेस के लिए बनाया जाता है, टूटे हुए यानी कटे हुए पार्ट को या दो सेक्शन को अलग अलग करने के लिए जिंग जेल लाइन का यूज होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका आएगा डी। उसके बाद आगे हम चलेंगे, नदी में या तालाब में, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, नदी या तालाब की जल में प्रदूषण की निर्धारित किसकी घुली हुई मात्रा से करते हैं, यानी कितना पॉल्यूशन है कौन बताएगा, मात्रा बताएगा कौन सा मात्रा। तो पहले कह रहा है क्लोरीन, दूसरा प्लास्टिक है, सी ऑक्सीजन है, और डी केमिकल है, यानी कोई और भी हानिकारक रसायन हो उसको निर्धारण से। तो जल का प्रदूषण बीओडी आपने सुना होगा, बीओडी जिसे बाई ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, तो बीच वाला टर्म क्या है, बाई ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की कमी को ही जल प्रदूषण के रूप में लिया जाता है, इसमें तालाब या नदी में, और बाकी प्रदूषण अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन इसमें प्रदूषण के निर्धारण में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है उतना अच्छा है जो लेवल है उसकी। और तो बीओडी भी याद रखिएगा, कई बार पूछ दिया जाएगा। उसके बाद चार नंबर प्रश्न है, जिसमें हाई टेम्परेचर मेजरिंग यानी अधिक ताप मापन के लिए किसके द्वारा प्रयोग होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है वो आपको बताना है चौथे में। तो चौथा में पहला एक है प्लेटिनियम प्रतिरोध प्रतिमापी, बी है आपका ताम्र यानी कॉपर युग्म प्रतिमापी, तीसरा ताप है, सॉरी ताम्र नहीं ताप, हीट, सी आपका है पूर्ण विकिरण यानी रेडिएशन, ऊंच तापमान में, और इनमें से कोई नहीं।
तो हाई टेम्परेचर कह सकते हैं, कई बार आता है पायरोमीटर, तो याद रखिएगा पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के नाम है लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर ये है प्लेटिनम प्रतिरोध मापी, तो राइट आंसर आपका ये है। तो एक बार प्रश्न देख ले जिनको देखना है, तो यहाँ आंसर आपका सी था, यहाँ आपका आंसर ए राइट है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे, तो 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को ऊपर और 6 नंबर को एक साथ ले लिया जाए, तो 5 नंबर प्रश्न है गाड़ी के रेडिएटर में, यानी रेडिएटर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जल यानी वाटर का प्रयोग किया जाता है क्यों, इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध होता है, बी कह रहा है कम लागत होता है, उसकी प्राइस कम होती है, लो कॉस्ट होता है, सी कह रहा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, और डी कह रहा है इसका निम्न क्वथनांक यानी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसलिए। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है आसानी से बोलते हैं, आसानी से उपलब्ध है, कुछ लोग बोलते हैं सस्ता है इसलिए पानी को डालते हैं, आप केमिकल डालिएगा तो महंगा पड़ेगा, D2O भारी जल महंगा पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा रेडिएटर की फंक्शन के अनुसार उसको ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है इसलिए इसे यूज करते हैं, और राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में पॉजिटिव निगेटिव प्लेट बने होते हैं, दोनों बताना है पॉजिटिव प्लेट्स किसका बना होता है और निगेटिव प्लेट किसका बना होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल देखते जाइएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके टॉपिक में है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में ओवरव्यू इलेक्ट्रिकल की आधी से ज़्यादा सिलेबस आ जाती है, तो आप कहाँ से प्रश्न पूछेगा वो रेलवे डिसाइड करेगा, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें शुष्क सेल की बात कर रहा है, ड्राई सेल में पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट कौन से होते हैं, तो पहला ऑप्शन है कॉपर और जिंक, दूसरा कह रहा है जिंक और कॉपर यानी जस्ता और तांबा, सी कह रहा है कॉपर और कार्बन, और डी कह रहा है कार्बन एंड जिंक, इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो बताना है। तो पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाता है, मैं एक बार इसकी कलर हटा के बता दूं, तो पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं ये भी आप याद रखना। सबसे पहले बात पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव प्लेट को कैथोड बोलते हैं, और ये आपका डायोड में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। लेकिन पॉजिटिव प्लेट बना होता है किसको, यह ये यहाँ बताना है आपको यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा एनोड, हमें एनोड और कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट, आपने देखा होगा हर जगह कार्बन बनता है, हाँ नेगेटिव प्लेट हमेशा क्या होता है जिंक होता है, जैसे आप एक शुष्क सेल देखे होंगे तो इसमें ये पीछे जस्ता होता है और आगे के साइड में क्या होता है इसके एक टिप सी लगी होती है वो कार्बन की होती है, कार्बन के ऊपर एक स्टील लगा दिया जाता है, यानी इसमें एक्टिव मटेरियल ये रड होती है वो कार्बन की होती है, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव और एनोड प्लेट, और पीछे के जो कवर होता है वो क्या रहता है जिंक रहता है जस्ता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है पॉजिटिव प्लेट कार्बन की और नेगेटिव प्लेट्स जस्ता की, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलेंगे 7 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है किसी कार्बन का रजिस्टर का पहला रंग अगर कलर हरा है तो इनमें से कौन सा मान वैल्यू संभव नहीं है, पहला बैंड क्या है हरा है, तो रजिस्टर आपने देख रखा होगा रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो अच्छे से जानते हैं 3 बैंड होता है और चौथा बैंड होता है टॉलरेंस का, अगर ये सिल्वर और गोल्ड दोनों टाइप के होते हैं, तो चलिए टॉलरेंस बात पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि फर्स्ट बैंड आपका ग्रीन है तो उस रजिस्टर का वैल्यू इनमें से कौन सा नहीं होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए आपको कलर कोडिंग अच्छी से आनी चाहिए, तो कलर कोडिंग का हमारा पास क्या था आप एक बार रिपीट कर लें, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, तो ये हमारे पास कलर कोडिंग था, और ग्रीन का क्या बोलते हैं जी, और जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिएगा, ब्लैक का फर्स्ट डिजिट में कोई मतलब नहीं होता, ब्राउन से शुरू होता है, ब्राउन ब्लैक यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ग्रीन से 5, तो पहला डिजिट एक क्लियर है 5 से होगा, तो
सी में आपने ऑप्शन देख लिया कि एक 6 से शुरू है, तो सीधा से आप आंसर इसको रिजेक्ट करेंगे और ये आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी ये पॉसिबल होगा सेकंड और थर्ड बैंड से, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी 5 आपका फर्स्ट बैंड है, यानी फर्स्ट डायरेक्शन में 5 ही होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे मिल गया है सी। उसके बाद अगले स्लाइड में हम चलेंगे, तो अगले स्लाइड में हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है 8 नंबर से। तो 8 नंबर प्रश्न आपका पूछ रहा है, लेंज नियम किसको ज्ञात करने में मदद करता है। लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल टॉपिक में भी आता है, तो इसके लिए इन पर बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही टॉपिक है। तो इसमें आपको बताना है जनरेटर की घूमने की दिशा, बी कह रहा है मोटर की करंट, सी कह रहा है ईएमएफ की दिशा और डी कह रहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी चुंबकीय फील्ड के बारे में बताना है कौन सा होता है। तो लेंज का नियम एक बिल्कुल सिंपल सा नियम है और लेंज के नियम प्राप्त करने के लिए हमें जनरेटर के लिए क्या फैराडे का होता है, मोटर करंट वगैरह के लिए आपको दूसरे नियम होता है, लेकिन ईएमएफ की दिशा जनरेटर मोटर नहीं कहीं भी जहां उत्पन्न होता है उसके बारे में बताता है आपका लेंज के नियम, सी है राइट आंसर। और ये लेंज के नियम के अनुसार क्या करता है, जो उत्पन्न वोल्टेज होता है वो दूसरे वोल्टेज को विरोध करता है, यही इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका है, ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन मापा जाता है किसमें। तो यहाँ पहला ये आंसर है डेसीबेल, दूसरा है आपका डेसिमल, सी है कैलोरी और डी है हर्ट्ज। तो बिल्कुल सिंपल सा वाद है, आदमी को सुनने के लिए क्या होना चाहिए, 20 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ होनी चाहिए और कुछ और भी इसके टर्म होता है, तो डीबी आपको मिल गया, डीबी को ही बोलते हैं डेसिबल। तो राइट आंसर आपके पास ये है। उसके बाद अगर 10 नंबर प्रश्न देखें, ई बराबर एमसी स्क्वायर का नियम किसके द्वारा दिया गया था वो बताना है। तो इसको सापेक्षवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं और एनर्जी और मास का भी दोनों का रिलेशन बताने के लिए बताया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है यहाँ पे। पहला गैलीलियो है, बी आइंस्टीन है, सी डाल्टन है और डी चार्ल्स डार्विन है। तो इसमें से कौन से हैं वो बता दीजिए पटाख सिंह। तो आपको सबको पता होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर यानी आइंस्टीन का फॉर्मूला है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे 11 नंबर में। तो 11 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, किस वस्तु का वेग यानी किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा। बार बार रिपीटेड प्रश्न है, हर एग्जाम में से बदल बदल के देता है, कभी 2 गुना, कभी 4 गुना, कभी 3 गुना, ऐसे बढ़ा के बता दिया जाता है और प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसकी बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे थोड़ी सी। पहला ये है 3 गुना है, बी आपका 4 गुना है, सी है अपरिवर्तित रहेगा और डी कम हो जाएगा। तो इसके बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, सबसे बराबर हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे यानी गतिज ऊर्जा को काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, बराबर क्या होता है 1/2 mv². तो ये बेसिक आप याद रखेंगे तो इससे 4-5 प्रश्न अलग अलग तरीके से हो जाएगा। एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप निकाल लेंगे जहां मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन यहां गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा यहां कह रहा है कि 2 गुना कर दें, तो 2 को गुना करेंगे तो पूरा गतिज ऊर्जा 2 के स्क्वायर में हो जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका मिल गया है 4 गुना। लेकिन अगर इसी प्रश्न में अगर कई बार पूछ दिया जाए कि 4 गुना करें तो क्या होगा, तो 4 के स्क्वायर 16 गुना, 3 गुना करें तो 3 के स्क्वायर 9 गुना। तो ये 3-4 प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको करना है और इसी तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। लेकिन इसी प्रश्न में अगर गतिज ऊर्जा को हटा के यहाँ पे कह दिया जाए कि यहाँ पे इसी प्रश्न में अगर वेग को हटा के यहाँ पे बोल दिया कि ये मास 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या अंतर पड़ेगा, ये भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि अगर उसका द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो देख सकते हैं इक्वेशन आपके सामने है, मास बढ़ाइए या घटाइए, पहले जितना था और मास ज़्यादा बढ़ेगा तो उस रेशियो में प्रोपोर्शनल गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, मतलब उसी के रेशियो में बढ़ेगा। तो इससे ज़्यादा आपको
डायरेक्टली रिलेशन है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है मास का और वेलोसिटी का। तो मास का डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी का स्क्वायर रिलेशन है, ये याद रखिएगा और इक्वेशन से कीजिएगा, कभी गलती ना हो। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, उड़ता हुआ गुब्बारा कौन सी ऊर्जा रखता है उसके बारे में बताना है। एक बैलून अगर उड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, पहला स्थिति ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ए एन बी और डी इनमें से सभी। तो मैक्सिमम लोग इस सवाल को जानते हैं, क्योंकि अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो स्थिति के कारण भी ऊर्जा है क्योंकि वो हाइट पे है, और गतिज ऊर्जा भी है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ी सी और हम समझेंगे थोड़े से। अगर एक वस्तु इस तरह के, अगर हमारे पास चार इक्वेशन मिलते हैं, कंसेप्ट आप समझिए, चार टाइप, एक ही वस्तु को चार जगह पे हमने रख दिया जिसमें द्रव्यमान है, क्या क्या होता है, 1/2 mv², एक तो द्रव्यमान, दूसरा वेग, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हम कहते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh, यही होता है आपका साइंस का इक्वेशन, और साइंस के इक्वेशन ही पे ही सारा न्यूमेरिकल बनता है। तो एम क्या है, मास है, जी उसका ग्रेविटी के कारण उसमें जो स्थिति ऊर्जा है वो है, और एच क्या है, हाइट है। सबको क्लियर है? तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी या किसी सतह पर रुका हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा को हम छोड़ दिया जाए, अगर कहीं टिका हुआ है उससे नीचे नहीं जा सकता पृथ्वी से, ध्यान दीजिएगा, तब क्या है, यहाँ पे एम तो है, भी क्या है, उसके बाद क्या है, जी क्या है और एच क्या है। तो एच 0 है, जी 0 है और ये वस्तु क्या है, स्थिर है, तो भी बराबर भी 0 है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये चल रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस स्थिति में भी 0 नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी रहेगा, तो इसमें ये एनर्जी इससे ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी का फ्लो इससे इसमें ज्यादा होगा। कौन सा एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम दोनों में बराबर रहेंगे। लेकिन अगर वो कोई वस्तु कह रहा है हवा में ऊपर की तरफ तैर रहा है, और ये वस्तु बिल्कुल तैर रहा है लेकिन ये वस्तु स्थिर है, कहीं मूवमेंट नहीं है, एक स्थान पे स्थिर है, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हाइट है इसमें, तो एच कोई क्वांटिटी होगा, भी क्या होगा, 0 होगा, साथ में जी है, ऊपर की तरफ है, जी है, तो इसमें एनर्जी इस वाले वस्तु से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसमें एनर्जी ज्यादा होगा। और अगर ऊपर की तरफ उड़ता हुआ वस्तु मूवमेंट में है तो इसमें एनर्जी और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भी क्वांटिटी में है, एच भी क्वांटिटी में है, तो इक्वेशन में अगर भी की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं, और टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ देंगे तो एनर्जी होगा। तो सबसे इस टाइप के वस्तु है, यानी कहीं हम गुब्बारा की बात किए थे, तो गुब्बारा क्या है, आसमान में उड़ रहा है, जिसमें द्रव्यमान भी है, वेलोसिटी भी है, तो गतिज और स्थिति ऊर्जा को अगर कैलकुलेशन भी आ जाए तो इस टाइप में एनर्जी सबसे ज्यादा मूव करता है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, यानी ए एंड बी दोनों। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, शक्ति की विमा यानी डायमेंशन पूछ रहा है, शक्ति का डायमेंशन इसमें से क्या है। तो ये याद कर लीजिएगा या डिराइव कीजिएगा। तो शक्ति में सबसे पहले हम जानते हैं, याद करने के लिए, टी के पावर -3 होता है, तो टी के पावर -3 दो तीन में है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ ज्यादा जानते हैं एल के पावर 2 होता है और एम 0 होता है। तो एम एल टी 0 अगर रख दे तो राइट आंसर हमारा डी बनता है, बीमा में डायमेंशन में। तो डायमेंशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है 50 kg का मनुष्य 10 मीटर की ऊंचाई पे 2 मिनट में चढ़ता है, तो उसकी शक्ति क्या है। छोटा सा न्यूमरिकल, लेकिन आंसर आपको बताना है, ए है 41 वाट, बी है 50 वाट, सी है 20 वाट और डी है
92 वाट। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या बोला है, एम जी एच, ये तीनों क्वांटिटी दिया हुआ है। लेकिन अगर इसे पोटेंशियल एनर्जी के साथ टाइम दिया हुआ है, तो एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम, आपको ये कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर सोल्व। मास दिया हुआ है 50 kg, मीटर दिया हुआ है, देखिएगा मीटर और केजी एक साथ होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए, ये गड़बड़ कभी भी नहीं कीजिएगा। एम के एस सिस्टम है अगर, तो मीटर आपका, मीटर सेकंड और केजी तीनों का ध्यान रखना है, यूनिट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो केजी है गुना मीटर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और जी का मान कितना होता है 9.8, ये कैलकुलेट कर ले। और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, यानी 2 × 60 120 मिनट, ये टाइम दिया हुआ है। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा आपका, एक एक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसे कैंसिल कर ले तो ये 25 हो जाएगा, एक बार और 25 हो जाएगा, और यहाँ 6 है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो करीब 41 वाट के आसपास आएगा, और कैलकुलेशन एक बार करके देखेंगे। मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ कि 41 वाट आने चाहिए 15 का, इससे थोड़े आसपास में समथिंग में आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कंसेप्ट आप याद रखेंगे एम जी एच बाई टी। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, माइक्रोफोन क्या करता है या बदलता है या चेंज करता है, इंग्लिश हिंदी जो समझ लें आप। तो माइक्रोफोन में क्या, एक माइक्रोफोन व्यक्ति होता है जो आपका टेलीफोन कह सकते हैं, वो किस एनर्जी को किस में बदलता है वो बताना है यहाँ पे, और ये प्रश्न में है। तो इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, दूसरा कह रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में, तीसरा कह रहा है ध्वनि से इलेक्ट्रिकल में, और डी कह रहा है लाइट से इलेक्ट्रिकल में, मतलब लाइट प्रकाश से बिजली में, या ध्वनि से बिजली में, या बिजली से साउंड में यानी ध्वनि में, या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, किस में बदलता है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन में जो सिग्नल आती है, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है, और राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। तो एक बार आंसर आप देख लें, राइट आंसर आपका सी है, ध्वनि से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम माइक्रोफोन का है। उसके बाद हम अगले स्लाइड में चलेंगे, तो अगला स्लाइड में हमें 17 नंबर प्रश्न मिलेगा, ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 kg के वस्तु को 10 N फोर्स लगाने पर त्वरण उत्पन्न कितना प्राप्त होगा। तो देखिए ये सबको पता होता है ए बराबर एम ए, लेकिन इसका कई बार लोग उल्टा यूज कर देते हैं, डाटा रखने में गलती कर देते हैं, सिंपल सा है। तो यहाँ आपको बताना है 8 m/s², बी है 5 m/s², सी है 10 m/s² और डी है 0.2 m/s². तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है एफ बराबर एम ए, लेकिन एम मास है, एफ त्वरण है, और एफ फोर्स है। तो तीनों चीज को आपको क्वांटिटी जानना है, फोर्स यहाँ कितना है 10 N, मास कितना है 2 kg, और आपका त्वरण पता करना है ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10/2, और इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो कह सकते हैं 5 m/s² त्वरण की यूनिट होती है m/s². तो राइट आंसर आपकी यहाँ पे बी है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे, जिसमें हमारा 18 नंबर प्रश्न है, 5 m/s की चाल से विरामस्था यानी रुकी हुई वस्तु चलकर 2 s में कितनी दूरी तय कर लेगी। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, लेकिन पता होना चाहिए आपको इस पे कौन सी फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न छोटे न्यूमेरिकल मैंने लिया हूँ। तो एस बराबर आपने पढ़ा था ut + ½ at². तो यहाँ सारा क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है टी कितना 2 s, ए दिया हुआ है 5 m/s, यू दिया हुआ है 0, और टाइम यहाँ दिया हुआ है टाइम 2 s, यानी टाइम को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रेशियो आपका कैंसिल, अगर कहें इसे कि पहला टॉपिक आपका कैंसिल। अब बच गया इस टॉपिक को कैलकुलेट करना है, तो 1/2 ए बराबर आपका दिया हुआ है 5, और कह सकते हैं टी दिया हुआ है 2 s, यानी 2 × 2² है। तो अभी से कैलकुलेट कर लें, 1, 2 से 1, 2 कैंसिल, और 5 × 2 = 10, यानी 10 m की दूरी तय करेगा कितने सेकंड में, 2 s में 5 m/s की चाल से। तो
तो ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, आपको फॉर्मूले पर कैलकुलेट करना है। दो को तीन कर दीजिएगा तो कितना चेंज हो जाएगा, 3 गुना 3 और यहाँ 5। तो कुछ लोग कहेंगे कि 5 तिया 15, 15 तिया 45/2, 22.5 मीटर चल जाएगा। तो रिलेशन ये डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ दिख रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से चलकर 2 सेकंड में चल के 10 मीटर किया, तो ये तो लग रहा है सिंपल सा रिलेशन है, 5 को 2 से गुना कर दें, लेकिन 3 होगा तो क्या होगा, 22.5 हो जाएगा। यानी रेशियो ये सिंपल नहीं होता है, आपको फार्मूले में कैलकुलेट करना है, क्योंकि टाइम होता है स्क्वायर। उसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, उसके बारे में नियम बताना है। तो पहला कह रहा है चुंबकत्व मैग्नेटिक, दूसरा कह रहा है ग्रेविटी यानी ग्रेविशनल यानी ग्रेविटी यहाँ लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। सी है पलवन का नियम यानी फ्लोटिंग का रूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने सुना होगा, बर्फ किस में डालते हैं, पानी में, तो पानी बर्फ पिघलने पर बाहर आएगा क्या, ऐसा प्रश्न आता है ये, या कहीं सुने होंगे नदी, नदी में नाव तैरती है तो किस कारण से तैरती है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। ये सारा सिद्धांत आर्किमिडीज का है और ये नियम करता है, फ्लोटिंग का नियम है। तो राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर से पहले भी हमने 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न लिए थे, तो इसमें पूछ रहा है सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन की मोटाई कितनी रखी जाती है वो बताना है। पहला आपका है 0.3 mm से 0.4 mm, दूसरा कह रहा है 0.1 mm से 0.3 mm, सी कह रहा है 0.2 mm से 0.5 mm, और डी कह रहा है 0.7 mm और इससे अधिक। तो बहुत कठिन है सेक्शन लाइन, किसी दो ड्राइंग को अलग अलग करने के लिए भी यूज किया जाता है, कई बार सेंटर लाइन के लिए किसी कर्वेचर क्षेत्र में यूज करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन उसके साथ ये प्रश्न है कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रश्न है लोगों के लिए। तो चलिए आंसर आप दे दिए होंगे, हो सकता है अपने तरफ से, तो मेरे तरफ से ये राइट आंसर है डी, 0.7 mm से और इससे अधिक। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, फिर से न्यूमरिकल, तो इसमें पूछ रहा है 21 नंबर, 1 kg भार को 2 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ भी सवाल उठता है, 1 kg भार को कैसे ले जाएं। तो हमने एक बात किया था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसमें लगा दें mgh, तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ t लगाएंगे क्या, तो कार्य करने के लिए टाइम का आवश्यकता नहीं है, चाहे आप इस कार्य को 2 घंटे में करें या 4 घंटे में करें, आप कार्य एक ही करेंगे। आपने जितने भी मैथ पढ़ते होंगे, एक टंकी 10 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है, लेकिन वो कार्य कितना करता है, एक ही कार्य करता है, चाहे 10 मिनट में भरे या 30 मिनट में। तो टाइम यहाँ नहीं इम्पोर्टेंट है जब हम इस रूप में लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की ज्ञात करने के लिए आप बता दीजिए, 9.8 जूल, 19.6 जूल, 1/9.8 जूल और 1/90.6 जूल। तो ध्यान दीजिएगा, पी बराबर हम कैलकुलेट करेंगे एम जी एच, तो हाइट कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है आपके पास, जी का मान होता है 9.8 और एम यहाँ दिया हुआ है 1, तो 9 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6, और इसकी यूनिट होती है कार की यहाँ पे छोटी यूनिट जूल। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार अगर इसे न्यूटन भी लिख दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और आंसर यहीं गलती होती है। अगर एक में दे देता है यहाँ पे आपका आंसर 19.6 न्यूटन, तो आप न्यूटन पे भी सोचते एक बार जरूर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जूल होगा जब आपका भार केजी में है और ऊंचाई मीटर में है, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास 22 नंबर प्रश्न, फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका है B1 साइज का ड्राइंग बोर्ड का साइज mm में होगा। तो ड्राइंग बोर्ड आपने पढ़ा होगा, पहले हम आंसर का बात कर ले ऑप्शन का आपके लिए, तो 1500 गुना 1000, बी में है 1000 गुना 700, सी में है 700 गुना 500 और डी में है 500 गुना 350। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कभी पूछ दिया जाए तो चौड़ाई 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये किस में होता है, mm में, ये भी ध्यान दीजिएगा, मिलीमीटर, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमारे पास जो ड्राइंग होते हैं वो B0, B1, B2,
और B3, ये तीन टाइप के ड्राइंग यूज किया जाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का यही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें पूछ रहा है आपका B1 का साइज क्या होगा, तो आंसर आपका हो सकता है आपने पढ़ा हो तो ये मिल जाएगा, नहीं पढ़ा है तो ये आंसर नहीं दे सकते बेक्यू कि बिल्कुल, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल करेक्टनेस पे है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। बी क्या है, B0 है। तो एक बार मैं ये सारा का साइज लिख दूँ तो इसे बोलते हैं B0, इसे बोलते हैं B1, साइज आप देख लेना, यानी 1000 × 700 है तो B1 होता है, तो और B1 का ही हमें आंसर देना था, और 700 × 500 होगा तो B2 बोलते हैं, और 560 × 350 होगा तो B3 बोलते हैं। यानी अगर B1, B2, B3 किसी में आए तो ये प्रश्न याद रखना है, और मैक्सिमम साइज याद रख लीजिएगा तो आपको प्रश्न करने में हल होगा। B0 की साइज क्या होती है, 1500 × 1000, और मैक्सिमम ड्राइंग बोर्ड की चौड़ाई 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाकी और साइज आप यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, और इसी तरह पेपर की साइज याद कर लीजिएगा, A0, A1, A2, A4, A4 तक, 5 तो यूज होता नहीं है, ये भी एक कंसेप्ट है। उसके बाद हम अगले बात चलेंगे छोटा रेडियस, ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल है। छोटा रेडियस को सर्कल यानी छोटा रेडियस के वृत्त के लिए सहायता से बनाते हैं, किसके सहायता से बनाते हैं? तो यहाँ पे है लेंथनिंग बार, दूसरा है बो डिवाइडर, तीसरा है बो कंपास, और ये डी आंसर है, डी में है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राइट आंसर 23 नंबर प्रश्न का। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे सर्किल बनाने के लिए यानी फाई, छोटी सी फाई बनानी है बहुत छोटे से, तो किसका यूज करेंगे? तो यहाँ देखिएगा बो कंपास छोटा के लिए यूज होता है सी, और कहीं ये छोटा करके बड़ा कर दिया जाए, आपको पूछ दिया जाए कि बड़ा सर्कल किससे बनाते हैं, तो ये रखिएगा याद, ए लेंथनिंग बार से बड़ा करते हैं, और छोटा एक कंपास मीडियम कंपास होता है उससे मीडियम करते हैं। ये तीनों टॉपिक एक प्रश्न। उसके बाद हमारे पास अगले प्रश्न में जाएंगे तो 24 नंबर प्रश्न है घर्षण से, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन में कह रहा है फ्रिक्शन कोफिशियंट की यूनिट SI यूनिट क्या है, वो बताना है आपको यहाँ पे। SI यूनिट पहला है न्यूटन, दूसरा है न्यूटन डेस मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से हम लोगों को देखे हैं अगर घर्षण आ गया तो घर्षण को न्यूटन मीटर वगैरह क्वेश्चन कराते हैं, राइट आंसर सी, और बोले मैंने प्रश्न तो बिल्कुल 100% सही किया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा घर्षण कोफिशियंट ऐसा यूनिट है, ये रेशियो है, क्या है, रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, कहीं भी रेशियो होगा तो ये डायमेंशन लेस रेशियो होते हैं, यूनिट लेस या डायमेंस कह सकते हैं, यूनिट लेस, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर डी होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ऐसे करके आपसे पूछा जाते हैं। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है घर्षण का बल यानी फोर्स दो बॉडी के बीच निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है वो बताना है। ये कह रहा है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सतह का क्षेत्रफल, दूसरा कह रहा है टेंजेंशियल टू दी सरफेस कॉन्टेक्ट, तीसरा कह रहा है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, और डी कह रहा है BNC दोनों। घर्षण बल किस पे निर्भर करता है? तो देखिए राइट आंसर आपको यहाँ बी देख सकते हैं, टेंजेंशियल ऑफ सरफेस कॉन्टेक्ट और नेचर ऑफ दी सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों पे निर्भर करता है। तो कह सकते हैं इस पाथ की दो टाइप होती है, एक स्टील होता है एक माइल्ड स्टील होता है, ढलुआ लोहा, तो किस पे घर्षण ज्यादा होगा बता सकते हैं आप? ध्यान दीजिएगा माइल्ड स्टील पे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी सतह खुरदरा होती है। तो ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन या स्टील में आपका सतह चिकना होती है जिसपे घर्षण कम होगा। तो इसी तरह से यहाँ राइट आंसर आपका डी है, BNC, यानी सरफेस पे निर्भर करता है और टेंजेंटियल सरफेस की कॉन्टेक्ट पे दोनों पे निर्भर करता है। उसके बाद हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है पीको किसके बराबर होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपके पास, यूनिट एंड मेजरमेंट इसमें बताना है आपको। तो पीको यूनिट का बताना है, तो पहला ये है 10^-9, 10^-10, 10^-22, 10^15, -15, तो पीको ऐसा टर्म है, पीको किसको यूज करते हैं,
मेगा आपने सुना होगा, फेमटो सुना होगा, सारा सुना होगा, नैनो सुना होगा, सारा यूनिट एंड मेजरमेंट का है। तो नैनो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है 10^-9 को नैनो बोलते हैं और 10^12 को बोलते हैं पीको, याद रखिएगा। और 15 को बोलते हैं शायद फेमटो, याद रख लीजिएगा या देख लीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि डी का क्या था 10^15। तो लेकिन यहाँ पे हम पूछे थे पीको का यूनिट है आपका सी है 10^-12। उसके बाद 1 न्यूटन किसके बराबर होता है वो बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है लेकिन कंफ्यूजन जो बरकरार है, तो ए है 1 kg, बी है 10^5 dyne, सी है आपका 10^8 dyne और डी है आपका 10^5 pound। तो इनमें से कौन सा है वो राइट आंसर आपको इसमें बताना है। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि डाइन यूनिट होती है न्यूटन के बराबर, इसे 10^5 dyne बोला जाता है 1 न्यूटन को। तो न्यूटन का छोटा यूनिट क्या है, डाइन है, और यहाँ पे डाइन देख सकते हैं राइट आंसर है 10^5। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या आ गया 28, जिसमें बोला ड्राइंग में टी स्क्वायर का प्रयोग खाली स्थान लाइन खींचने के लिए की जाती है। तो हमें अभी बोर्ड की बात किए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि बोर्ड की साइज क्या होती है, B1, B0, B1, B2 और B4 है B3। तो सबसे बड़ा बोर्ड होता है B0, तो नंबर से नहीं जाइएगा, जितना नंबर बढ़ेगा उतना साइज छोटा होगा, वैसे ही पेपर में भी होता है। तो इसमें किस लाइन के लिए यूज करते हैं, तो इस बोर्ड पे चलाने के लिए हम क्या चलाते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है, बोर्ड का एक किनारा इधर से पकड़ लेता है और दूसरे स्क्वायर पे ये होता है। तो लाइन कैसा खींच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटल। कैसा लाइन खींच सकते हैं टी स्क्वायर से, तो हॉरिजेंटल राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे, कैलिब्रेशन। 29 नंबर पूछ रहा है कैलिब्रेशन या अंश शोधन क्यों किया जाता है वो बताना है आपको, और किस कारण से किया जाता है, इससे बेनिफिट क्या होता है वो बताना है। तो पहला कह रहा है प्रिसीजन यानी पुरुषता ज्ञात करने के लिए, सी है एक्यूरेसी जानने के लिए या यथार्थता जानने के लिए, सी है आपका आपका है रिजोल्यूशन के लिए, और डी है सेंसिविटी यानी सुग्राहता बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मीटरों में ये बार बार आता है और बेसिक इन साइंस इंजीनियरिंग में टॉपिक है आपका कैलिब्रेशन, सेंसिविटी, रिजोल्यूशन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो ध्यान दीजिएगा, कैलिब्रेशन को कहते हैं अंश संशोधन, बहुत डिफिकल्ट टर्म है, लेकिन ये मीटर को इक्वल वैल्यू के लिए करते हैं। किसी भी मीटर में, हम इलेक्ट्रिकी के टर्म में जाएंगे तो मीटर में है, अगर आप एक वाट है आपका 1 kg का वाट है, 1 kg है या 999 ग्राम है, ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपका कैलिब्रेशन से। और कैलिब्रेशन क्या कर रहा है, आपकी वाट या यूनिट को एक्यूरेसी बताने के काम कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका है बी। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है थर्मामीटर से तापमान मापन का प्रकार है प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीय, और इनमें से कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी यानी प्राइमरी और द्वितीय है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और इनमें से ऑल कौन सा टाइप है भाई। थर्मामीटर आपको बताना है, थर्मामीटर यूज करते हैं तापमान मापने के लिए। तो देखिए, थर्मामीटर मीटर यूनिट होता है वो आपका क्या स्केल है वो बताने के लिए, सबसे पहले आपको एक प्रश्न बार बार आता है उसके बारे में जिक्र कर लिया जाए, स्केल क्या है। स्टील रूल आपने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में पढ़ा होगा या घरों में भी यूज हम करते हैं, स्टील रूल क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो स्टील रूल पूछ देगा कोई तो बताइएगा आप, ऐसा एक स्टील रूल होता है जिसमें लाइनें खींची रहती है एक साइड में सेंटीमीटर में, दूसरे साइड में मिलीमीटर में। तो इससे अगर हमें कोई कह दे कि 2 सेंटीमीटर नापना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक लेंगे और इस स्केल को नाप लेंगे, तो इसमें कोई कन्वर्सन की ज़रूरत पड़ती है बताएं, तो हम कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो क्या किया, यहाँ से यूनिट उठाया और यहाँ से यहाँ तक नाप लिया जो हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्राथमिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई कन्वर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है थर्मोमीटर आपसे, तो थर्मोमीटर क्या करता है,
आपके बॉडी का टेम्परेचर मापता है और उसको कन्वर्ट करके बताता है, यानी ये प्राथमिक उपमिति नहीं है, ये सेकेंडरी है यानी द्वितीय है, और उसके बाद ये कन्वर्सन करके आपको टेम्परेचर बताता है बॉडी का। तो तृतीय में क्या आएगा, तो टेकोमीटर वगैरह जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप के, वो सेकेंडरी में आते हैं। वोल्ट मीटर, करेंट मीटर वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब सेकेंडरी में आते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक डायरेक्ट बताता है, सेकेंडरी वन कन्वर्सन में बताता है, और तृतीय तीन बार कन्वर्सन करके आपको एक्चुअल डाटा बताएगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास बहुत डिफिकल्ट सवाल, लोग घबरा जाते हैं इस टाइप के प्रश्न देख के कि ये क्या करूं। 31 नंबर प्रश्न, तो 31 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि -10 डिग्री पे 20 ग्राम बर्फ है, आइस जिसे बोलते हैं, 60 डिग्री वाले पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। मैंने देखा है कई सारे चैनलों पे कि इस प्रश्न को करने के लिए वीडियो को 30 या 20 मिनट का वीडियो बनाया गया है। आराम आराम से समझाते हैं, पानी को इधर डालेंगे, बीकर में डालेंगे, बीकर को इधर डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने इसके लिए वीडियो पहले ही आपको बना लिया था, क्योंकि आप जा रहे हैं एग्जाम में क्या देने, एमसीक्यू सॉल्व करने। आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, या बीटेक के एग्जाम में, या आईटीआई के एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, जो 10 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है जिससे आपके पास टाइम हो। तो कंप्लीट टाइम, कम टाइम में सोल्व करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए, और फार्मूला को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कहें आइस का द्रव्यमान MI लिख देते हैं, यहाँ क्लियर नहीं होगा, पूरी बोर्ड लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम अगर कह दें MI, आइस का द्रव्यमान, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फार्मूला लिख लेना आप, क्यू टेम्परेचर किसकी, बर्फ की, डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस में टर्म रखना, क्योंकि MI बर्फ आपका माइनस में होता है, प्लस AT। तो कुछ लोग बोलेंगे AT किस लिए, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद टी क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर हमें इसमें मिश्रण को पता करना है वो, और इस ब्रैकेट को बंद कर दें। तो ये बर्फ का काम हो गया। अब दूसरे साइड में आपके पास क्या है, पानी है, 60 डिग्री वाले पानी है, और इसमें एक प्रश्न में मिस्टेक हो रहा है, 60 डिग्री के साथ साथ इसमें पानी की द्रव्यमान भी होगी, वो 100 ग्राम प्रश्न में हमें दिख रहा है, तो 100 ग्राम द्रव्यमान है। तो यहाँ क्या करेंगे, द्रव्यमान को यहाँ लाएंगे, M कितना, वाटर, W, और इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, किससे, 60 डिग्री पे है, तो 60 माइनस T, यानी यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा 80 प्लस T, और यहाँ टेम्परेचर कम होगा, सिंपल सी। और इस नंबर, इस पे इस वैल्यू को रख के आप कैलकुलेट कर लें। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ इसे। तो हमारे पास क्या था, 20 ग्राम बर्फ था, 20 ग्राम टेम्परेचर क्या था, -10/2 था, ब्रैकेट बंद, 80 प्लस T टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे 100 है, अगर इसे ब्रैकेट में बोले तो 60 माइनस T है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, 20 5 100 होता है, तो डायरेक्ट आप 20 5 यहाँ पे 100 कर दें, 5 आ जाएगा, और यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 प्लस 80 प्लस T बराबर 5 को 6 करेंगे 300, और माइनस में 5T, और 5T और T तो करेंगे इसे सोल्व, तो ये आ जाएगा 60, और इसे 300 माइनस 85 तो ये आ जाएगा 215, और T बराबर 6 से भागा दे देंगे तो ये टेम्परेचर आएगा 34.83 फारेनहाइट, फारेनहाइट नहीं, सेंटीग्रेड, सॉरी, क्योंकि हमारा सारे यूनिट सेंटीग्रेड में है। तो 34.53 इसमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है, राइट सी में है, जो इक्विवेलेंट है इसके बराबर का, इससे नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी है। कितनी आसान से सवाल हो गए, सबसे डिफिकल्ट न्यूमरिक। तो अब यहाँ पे है आपके पास 32 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है 1 BTU के बराबर कितना होता है वो बताना है। तो पहला ये ऑप्शन है 4.8 कैलोरी, बी आपको है 4200 जूल प्रति केल्विन, केजी प्रति डिग्री केल्विन, सी आपका कह रहा 540 कैलोरी, और डी क्या है 252 कैलोरी। तो सभी न सभी कहीं से जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन राइट आंसर में यहाँ कन्फ्यूजन है। तो जब तक आपको BTU नहीं पता होगा, BTU को बोलते हैं ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा,
ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी लिख के पूछ दिया जाता है, यूनिट एंड कन्वर्सन का, यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 BTU बराबर 252 केलोरी होता है, डायरेक्ट याद कीजिएगा। और ये जल की विशिष्ट ऊष्मा है, ये 1 केलोरी आपको जूल के टर्म में है, और ये आपका 540 भी उसी के टर्म में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है। उसके बाद 33 नंबर पूछ रहा है कि ऊष्मा की परिभाषा से सूत्र नहीं प्राप्त हो सकता, इनमें से कौन सा? तो ये ऑप्शन है एच बराबर वी स्क्वायर आर टी, बी है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, सी है एच बराबर वी आई टी, और डी आपका है एच बराबर पी टी। इनमें से कौन सा ऊष्मा का सूत्र नहीं हो सकता वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी सब लोग जानते हैं, लेकिन इसी को कन्वर्टन करके अगर बनाए हैं तो भी के टर्म में कीजिएगा तो एच बराबर भी आई टी हो जाएगा, और भी आई को अगर आप पी कह दें तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं बी एंड सी एंड डी तीनों ऊष्मा का है, लेकिन वोल्टेज को करंट और करंट को वोल्टेज यहाँ कन्वर्सन कर दिया गया है, तो ये तीनों आपके राइट क्वांटिटी है। लेकिन भी स्क्वायर कहीं टर्म नहीं होता, भी स्क्वायर बाई आई आर यूज होता है पावर के टर्म में, लेकिन भी स्क्वायर आर टी कहीं नहीं होता। तो राइट आंसर ए आ जाएगा, ये नहीं होता है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न कह रहा है पिक्चर में बर्फ का घनत्व बताना है, आर्किमिडीज सिद्धांत से दूसरा प्रश्न, जिसमें कह रहा है बर्फ का घनत्व क्या है। तो नीचे की तरफ यहाँ तक लेवल पानी है, जहाँ पे लिखा हुआ है आप एरो देख सकते हैं, ऊपर में बर्फ कितना ऊपर तैर रहा है पानी में, 1/10 भाग, पानी के नीचे कितना है, 9/10 भाग। तो इसमें बर्फ का घनत्व बताने के लिए बोला है। तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg/m². तो आपका पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बी सी एंड डी में से आपको बताना है कि मालूम नहीं हो सकता, हो सकता या 1100 है या 900 kg/m² है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इस टर्म को यूज करेंगे तो थोड़ी सी आपको बस इस कंसेप्ट की यूज करना है, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा पानी के हटाए गए भार उसकी क्या होती है, घनत्व होती है उस वस्तु की। जैसे आपको कोई एक वस्तु डालते हैं, कील डालते हैं तो पानी में डूब जाता है, क्योंकि वो उतना द्रव्यमान को पानी को हटा नहीं पाता। लेकिन एक उसी तरह अगर एक नाव डालते हैं पानी में तो उसके ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, 9 भाग अंदर है 1 भाग ऊपर है, यानी घनत्व कितना है पानी के 9वें रेशियो में। तो अगर इसे 9 को भाग 1000 करेंगे तो 900 kg राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसका, बर्फ का घनत्व। और अगर एक्चुअल में बर्फ का घनत्व जानने चाहें तो 0.5 होता है, यानी पानी का 1 तो बर्फ का 0.5 होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है बी। उसके बाद हम अगले नंबर 35 नंबर प्रश्न में चलेंगे, फिर से वही डिफिकल्ट वाला प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि 20 डिग्री पर 500 ग्राम पानी को 100 डिग्री पर 50 ग्राम जलवाष्प यानी भाप प्रवाहित करने पर मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन और ये भी प्रश्न डिफिकल्ट, तो इसको भी लंबा करने की ज़रूरत, लेकिन हम नहीं, हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 4 क्वांटिटी हमें दिया हुआ है और 4 क्वांटिटी से ही हमें ये प्रश्न डिराइव करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें पानी, पानी को क्या बोलते हैं, MW, और पानी का टेम्परेचर क्या होगा, भाप हम जब मिलाएंगे तो क्या होगा, भाप मिलाने से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टी माइनस क्या होगा 20, यानी 20 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होगा पानी का। बराबर दूसरे स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में क्या होगा, पहले मास स्ट्रीम कह दें, और यहाँ पे क्या कह देंगे हम, दो टर्म लिखना पड़ेगा, 540 100 और माइनस टी, तो यहाँ टेम्परेचर देगा। लेकिन 540 कोई पूछ दे तो क्या है, तो क्या है ये जल वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा जो बोलते हैं, या लेटेंट हिंट बोलते हैं। जैसे बर्फ की लेटेंट हिंट कितना है, 80 है, उस तरह जल वाष्प की लेटेंट हिंट 540 है, और जल वाष्प में टेम्परेचर कितना रहता है, तो 100 डिग्री, 100 डिग्री से किसी का टेम्परेचर आप ज़्यादा
नहीं बढ़ा सकते। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, और इस पे कैलकुलेशन रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वांटिटी कितना है, 500 ग्राम है पानी, टी आपको पता करना है, 20 दिया हुआ है। इसी तरह से हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एमएस दिया हुआ है कितना, 50 ग्राम दिया हुआ है स्ट्रीम का भार, और इसकी 640 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 640, तो इसको साफ साफ लिख लिया जाए। इस तरह से इक्वेशन आएगा 500 टी माइनस 20 बराबर 50, 640 माइनस टी। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा 10, और यहाँ कह दें कि 10 टी माइनस 200, 10 से गुना होगा, बराबर 640 माइनस टी, कितने आसान से हो रहे हैं। तो यहाँ पे कह दें कि 1 टी यहाँ आएगा तो 11 टी, और 640 और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 840, और टी बराबर 840 डिवाइडेड बाई 11, और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 76.36 आएगा। तो टेम्परेचर आपको मिल गया किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ऑप्शन देख लें यहाँ पे कहाँ है, तो ए में 80 है, बी में 90 है, सी में आपका 76.36 है, डी में 70 है। तो राइट आंसर क्या है, सी 76.36 जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास घर्षण 36 नंबर है। घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये पहला स्नेहक है, बी है स्लोप इंक्लाइंड है, सी आपका पहिया है, और डी पुली है। तो सबसे सब लग रहा है एक ही जैसा है, घर्षण से रिलेटेड है, लेकिन स्नेहक लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसमें तेल होता है, आयल होता है, या कई बार ग्रेफाइट भी स्नेहक का यूज होता है। तो ग्रेफाइट पेंसिल की लीड में लगती है, लेकिन इसको भी स्नेहक में होता है। तो राइट आंसर आपका ए है, स्नेहक घर्षण को कम करने के लिए लगाते हैं, और बैरिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा तेल आयल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगते हैं। उसके बाद 3 प्रश्न आपके लीवर एंड मशीन से। तो पहला आपका चिमटा पूछ रहा है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, बताना है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, डी बी एंड सी दोनों है, 37 में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि तृतीय श्रेणी का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यांत्रिक लाभ, जल्दी जल्दी बताइएगा, प्रश्न ज़्यादा लंबा नहीं करना वीडियो का। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज, ऑलवेज 1 से कम होता है, हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है, याद रख लीजिएगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होता है। तो हमने तृतीय बता दिया, 1 से कम होता है, तो आप एक प्रश्न यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच गया आपके पास प्रथम, द्वितीय, और इनमें से कोई तो होगा नहीं क्योंकि कम के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से प्रथम और द्वितीय में बताना है। तो किसका 1 से ज़्यादा होता है हमेशा, ऑलवेज हमेशा, तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय का 1 से ज़्यादा होता है हमेशा, क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। उसके बाद तीसरा नंबर पूछ रहा है, यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ को क्या बोलते हैं। तो ये पहला ये कह रहा है भार बटा यास, बी बोल रहा है यास बटा भार, सी बोल रहा है एफ बाई एल, और डी बराबर है एल बाई एफ। एफ कहाँ है, फलक्रम है, और ये लोड है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान देने की जरूरी है। भार को बोलते हैं वेट, आयास को बोलते हैं एफर्ट, तो भार को आप लिख ले वेट, कई बार लोगों को इंग्लिश में कन्फ्यूजन होगा, हिंदी में आयास को बोलते हैं एफर्ट, यानी प्रयास भी बोल सकते हैं। तो कौन सा है जल्दी से बताइए, वीडियो लंबा हो रहा है, तो सबसे पहले बोलते हैं ये, भार बटा आयास बराबर मैकेनिकल एडवांटेज, और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक लाभ होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने देख लिया प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम होता है, द्वितीय श्रेणी का हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और कह दे 1 से कम 1 से ज़्यादा दोनों हमें मिल गए, राइट आंसर कौन सा है, सी आंसर राइट है।
लेकिन हमारी समस्या खत्म नहीं हुई, हमारे पास एक प्रथम टाइप के भी है। प्रथम टाइप के उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होगी ये भी हम ज्ञात कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रश्न आएगा तो। प्रथम श्रेणी ऐसा है कि आप ध्यान दें कि प्रथम श्रेणी टाइप के अगर उत्तोलक है तो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों टाइप हो सकता है। ए डिपाइड करेगा एफ पे, एफ कहाँ उसमें इस्टेब्लिश है। अगर कहें इस टाइप का भुजा है, इधर लोड है, इधर वेट है, और ये फलक्रम जिधर आप करेंगे लोड की तरफ करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज, और अगर वेट की तरफ करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज, यानी सारा डिपेंडेंट ऑफ एफ पे पड़ता है। और फर्स्ट टाइप के श्रेणी में एफ क्या होता है, सेंटर में होता है, तो प्रथम टाइप के उत्तोलक की इफिशियंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। द्वितीय टाइप का हमेशा ज़्यादा होगा, तृतीय टाइप का एक से हमेशा कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो उम्मीद है कि छोटी सी प्रयास करने की कोशिश किया हूँ, बहुत बड़ा नाम नहीं है कि मैं अच्छा एजुकेशन कराता हूँ, लेकिन टॉपिक मैं आपसे ये कन्फर्म करा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको, शायद जो आपने पढ़ लिया इसमें से अगर प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। मैंने आपको टाइम काटने के लिए नहीं, एक्चुअल एजुकेशन के लिए बोला है, तो आप सिलेबस एक बार मैच कर लें, और मैच कर जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मिशन 30/40 पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज है 8 और 7 सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, अगले वीडियो तक धन्यवाद।